लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। पिछले साल विश्व कप टीम में नहीं चुने जाने के कारण चर्चा में रहे अंबाती रायुडू की शानदार पारी और फाफ डुप्लेसिस के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार को यहां मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराकर 13वें इंडियन प्रीमियर लीग IPL में अपने अभियान का जीत से आगाज किया। रायुडू ने 48 गेंदों पर 6 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 71 रन बनाए और फाफ डुप्लेसिस 44 गेंदों पर नाबाद 58 6 चौके के साथ तीसरे विकेट के लिए 115 रन जोड़कर चेन्नई को खराब शुरुआत से उबारा। अंतिम क्षणों में सैम कुर्रेन ने 2 छक्कों की मदद से 18 रन बनाए। चेन्नई ने 19.2 ओवरों में 5 विकेट पर 166 रन बनाए। मुंबई ने अंतिम 6 ओवरों केवल 41 रन बनाए और इस बीच 6 विकेट गंवाए, जिससे वह 9 विकेट पर 162 रन तक ही पहुंच पाया। आखिर में उसे यह महंगा पड़ा। उसकी तरफ सौरभ तिवारी 31 गेंदों पर 42 3 चौके 1 छक्का और क्विंटन डिकॉक 20 गेंदों पर 33 5 चौके ने अहम योगदान दिया। चेन्नई ने मुंबई से पिछले 4 मैच गंवाए थे, लेकिन इस बार वह अपने चिर प्रतिद्वंद्वी को हराकर शानदार शुरुआत करने में सफल रहा। चेन्नई की शुरुआत बहुत खराब रही और उसने पहले 2 ओवर में ही दोनों सलामी बल्लेबाज शेन वाटसन 4 और मुरली विजय 1 का विकेट गंवा दिया। यह आलम तब था जबकि मुंबई ने जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी का आगाज नहीं करवाया था। बुमराह 6ठा ओवर करने आए और रायुडू ने 2 चौकों और 1 छक्के से उनका स्वागत करके पावरप्ले में स्कोर 2 विकेट पर 37 रन तक पहुंचाया। उन्होंने डुप्लेसिस के साथ कुशलता से पारी संवारी और इस बीच लंबे शॉट लगाने की अपनी कला का भी बखूबी प्रदर्शन किया। मुंबई के दोनों स्पिनरों राहुल चाहर और कृणाल पंड्या की उनके सामने एक नहीं चली। इस IPL का पहला अर्धशतक भी रायुडू ने ही लगाया, जो T20 में उनका 26वां अर्धशतक है। रायुडू को 69 रन के निजी स्कोर पर जीवनदान भी मिला, लेकिन इसी ओवर में वह हवा में लहराता हुआ कैच दे बैठे। चेन्नई को तब 24 गेंदों पर 42 रन की जरूरत थी। रविंद्र जडेजा 10 भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन कुर्रेन 6 गेंदों पर 18 ने कृणाल और बुमराह पर छक्के लगाकर चेन्नई का काम आसान कर दिया। डुप्लेसिस ने IPL में अपना 13वां अर्धशतक पूरा किया और फिर विजयी चौका लगाया। इससे पहले चेन्नई के लिए लुंगी एंगडी ने 3 जबकि दीपक चाहर और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट लिए, जबकि लेग स्पिनर पीयूष चावला और सैम कुर्रेन ने प्रभावशाली गेंदबाजी की और मुंबई को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। लंबे अरसे बाद प्रतिस्पर्धी मैच खेल रहे महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता। चेन्नई ने पहले क्षेत्ररक्षण किया और दीपक चाहर ने लगातार तीसरे साल सत्र की पहली गेंद करने का रिकॉर्ड बनाया। रोहित शर्मा 12 ने चौके इसका स्वागत किया। धोनी ने 5वें ओवर में ही चावला के रूप में स्पिन आक्रमण लगा दिया। रोहित इस लेग स्पिनर की गेंद पर सही टाइमिंग से शॉट नहीं लगा पाए और मिड ऑफ पर कुर्रेन को आसान कैच दे बैठे। इंग्लैंड से 2 दिन पहले यहां पहुंचने के बाद मैच खेल रहे कुर्रेन के अगले ओवर में डिकॉक ने भी मिडविकेट पर वाटसन को कैच का अभ्यास कराया। तिवारी ने जडेजा पर इस टूर्नामेंट का पहला छक्का लगाया, लेकिन कुर्रेन ने सीमा रेखा पर सूर्य कुमार यादव 16 गेंदों पर 17 का कैच लपक दिया। पीठ दर्द के कारण लगभग 1 साल बाद खेल रहे हार्दिक ने जडेजा पर लगातार 2 छक्के जड़कर स्कोर बोर्ड में अपनी जीवंत उपस्थिति दर्ज कराने के साथ मुंबई का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया। इसके बाद डुप्लेसिस के बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का नजारा देखने को मिला। उन्होंने तिवारी और हार्दिक दोनों के छक्के के लिए जा रहे शॉट को सीमा रेखा पर बड़ी खूबसूरती से कैच में बदलकर जडेजा को 1 ओवर में 2 विकेट दिलवाए। डेथ ओवरों का दारोमदार कृणाल पंड्या 3 और किरेन पोलार्ड 18 पर था, लेकिन एंगडी ने इन्हें लगातार ओवरों में पवेलियन भेजकर मुंबई की उम्मीदों पर पानी फेरा।